नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 25 नवंबर 2018, दिन है रविवार। यहां पे हम लोग निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे जो मेरे वॉच लिस्ट में शामिल है। दोस्तों इस वीडियो का दो पार्ट आएगा, ठीक है। एक पार्ट में सारे स्टॉक की एनालिसिस नहीं हो पाएगी, मेरे पास कुल 120 स्टॉक्स हैं, तो एक वीडियो में अगर मैं 120 स्टॉक की एनालिसिस करता हूं तो वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाती है, तो मैं दो पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा, इन एनालिसिस का वीडियो को बनाऊंगा। तो आप लोग इस एक पार्ट को देखिए, उसके बाद आपको दूसरा पार्ट भी मिलेगा। तो जो दोस्तों उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक की एनालिसिस हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसे किस लेवल पे कौन सा स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हम लोग उसमें क्या पोजिशन बना सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों हमारा राजा बैटरी का। हम लोग डेली के एनालिसिस कर रहे हैं तो डेली के बेस पर हम लोग 200 डीएमए का भी प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना होता है हमेशा 200 डीएमए के बारे में कि ये किसी भी स्टॉक का अंतिम सपोर्ट और अंतिम रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप डेली बेस पे स्टॉक के एनालिसिस कर रहे हैं तो जरूर 200 डीएमए को प्लॉट करें। तो आपको यहाँ बता दूं एक चीज कि अभी मेरी पीआरबी वाली स्ट्रेटेजी चल रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पीआरबी। अगर अभी तक आप लोगों ने उस स्ट्रेटेजी को नहीं देखा है तो जरूर से देखिए, आपको मेरे वीडियो में चैनल पे जाइए, वहाँ वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको या सर्च करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पीआरबी के नाम से तो वो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पीआरबी के नाम से है। आप इसको देखिए, इसको समझिए, उसके बाद आप उस पर बैक टेस्ट करके देखिए ये काम करता है या नहीं। मैं अभी कंटिन्यू इसी पे आपको लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, कंटिन्यू 10 दिनों तक इसी पे दिखाऊंगा 30 नवंबर तक। उसके बाद मैं ओआरबी पे ट्रेड करूंगा और वो भी 10 दिनों तक कंटिन्यू ट्रेड करके उस पर दिखाऊंगा कंटिन्यू किसी भी एक चीज को करने से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग हमारा राजा बैटरी का सबसे पहले देखते हैं क्या लेवल निकल के हमारे पास आ रहा है। देखिए हमारा राजा बैटरी का सपोर्ट जो है बिल्कुल यही 715 रुपए का सपोर्ट आ रहा है। देख रहे हैं पिछली बार जब इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था बिल्कुल 715 रुपए के पास से ही इसने मूवमेंट लिया था, बाउंस बैक लिया था, स्टॉक वापस से उसी प्राइस पे आके खड़ा है। आप क्लोजिंग देख सकते हैं 715.65 रुपए की हमारा राजा बैटरी की क्लोजिंग है। तो 715 रुपए इसका अंतिम यहाँ पे सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 715 रुपए। आप बार बार देख रहे हैं यहाँ पे 715 रुपए के पास स्टॉक सपोर्ट लिया, पिछले बार पहले भी यहाँ पे इससे बाउंस बैक लिया, दूसरी बार भी लिया, तीसरी बार भी लिया और वापस से स्टॉक यहाँ पे खड़ा है। अब अगर ये 715 या 713 को ब्रेक कर देता है नेक्स्ट डे यानी कि 26 तारीख को कल, अगर ये 26 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग शॉर्ट पोजिशन इसमें बनाएंगे। 715 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है 5 से 10 मिनट 15 मिनट तो आप बिल्कुल इसको शॉर्ट पोजिशन बनाइए दोस्तों, और टारगेट हमारा निकल के आएगा 700 का। लेकिन अगर यहाँ से ये बाउंस बैक लेता है तो कम से कम इसे सबसे पहले इसका अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए। जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा यानी 735 को ब्रेक करेगा तो हमको इसको लॉन्ग बनाना और टारगेट निकल के आएगा दोस्तों 745 रुपए का हमारा राजा बैटरी में। अगला स्टॉक है दोस्तों भारतीय एयरटेल का। देखिए भारतीय एयरटेल 4 दिनों से एक अच्छा मूवमेंट दिया था, जैसे 310 को, जैसा मैंने बताया था कि जब ये 310 जब तक ये 310 को ब्रेक नहीं करेगा मूवमेंट नहीं आएगा। 310 को इसने ब्रेक किया और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक करने के बाद अब एक जगह से फिर होल्ड कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न दोबारा सब बना रहा है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ही जगह पे ये स्टॉक वापस अब फंस चुका है। तो अभी जब तक वापस से ये 340 को ब्रेक नहीं करता है, जब तक ये 340 को ऊपर ब्रेक नहीं करता है हमारा कोई भी इसमें पोजिशन नहीं बनेगा। अगर ये 340 को ऊपर ब्रेक कर देता है तो 350 और 360 का हमारा टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में पोजिशनल, और अगर नीचे 320 को ये ब्रेक कर देता है तो वापस से इसी रेंज में आ जाएगा, ये 310 रुपए वाले रेंज में भारतीय एयरटेल। तो आप लोग भारतीय एयरटेल पे जरा ध्यान रखेंगे। अगला स्टॉक दोस्तों बायोकॉन का। देखिए बायोकॉन पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो भी बनाया था कि अगर आप बायोकॉन 646 के ऊपर ब्रेक करता है, 640 के ऊपर ब्रेक करता है और 646 को भी ब्रेक कर देता है तो आपका क्या पोजीशन होगा। मैं बायोकॉन में भी पोजिशनल वीडियो बना के डाल चुका हूँ, तो आप लोग बायोकॉन पर पूरा डिटेल वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ बायोकॉन के हेडिंग से ही मिल जाएगा, रेडी फॉर ब्रेकआउट, बायोकॉन रेडी फॉर ब्रेकआउट। इसमें इस स्टॉक की पूरी एनालिसिस की गई है, मैंने ये 21 तारीख को ये वीडियो डाला था बायोकॉन का, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं पूरा डिटेल। अगला स्टॉक दोस्तों कोलगेट का। देखिए कोलगेट बिल्कुल
अपने सपोर्ट प्राइस जो रेजिस्टेंस प्राइस 1170 को बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है ये ब्रेक करने का, पर स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा। जब तक ये 1170 के ऊपर ब्रेक नहीं करता हमारा कोई भी नया पोजीशन नहीं बनेगा, और ये भी नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है कॉलगेट। डीएचएफएल से मैं अभी दूर रहता हूँ क्योंकि ये न्यूज बेस्ड स्टॉक है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं न्यूज बेस्ड स्टॉक में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो ये अभी डीएचएफएल से हम लोग दूर रहेंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों डिवीज लैब का। देखिए 52 वीक न्यू 52 वीक हाई कंटिन्यू ये स्टॉक बना रहा था, और अब स्टॉक के लिए सबसे बेस्ट रेजिस्टेंस जो हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये हो गया 1580 रुपए का। अब ये जब तक ये 1580 को ब्रेक नहीं करता हम लोग कोई भी नया पोजीशन नहीं बनाएंगे, लेकिन जब ये 1580 को ब्रेक कर देता है तो ये 1600 के टारगेट आपको एक ही दिन में दिखा देगा, और नीचे की ओर इसके पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1480 रुपए का, यानी 1480 से 1580 100 रुपए का ये रेंज है। इस रेंज में ये स्टॉक फंसा हुआ है, दोनों तरफ में से जिधर भी स्टॉक निकलेगा तब हम लोग इसमें पोजिशन बनाएंगे, अभी बिल्कुल इसी स्टॉक में पोजिशन नहीं बनाएंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों डॉक्टर रेड्डी का। देखिए डॉक्टर रेड्डी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ ये 21 तारीख को, उसके बाद अपने नेक्स्ट डे जो 22 तारीख को इसने ट्रेड किया उसी गैप अप वाले स्टॉक के अंदर, उसी गैप अप वाले कैंडल के अंदर ही ट्रेड किया, यानी उसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल उसी लो के पास ये ट्रेड कर रहा है। अब ये अगर 2570 को ब्रेक कर देता है, 2570 को ब्रेक कर देता है तो टारगेट निकल के आएगा दोस्तों 2550 रुपए का शॉर्ट टर्म में, और ये सेल साइड में। अगर ये 2570 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ जब तक ब्रेक नहीं करता 2620 को हम लोग कोई नया पोजिशन नहीं बनाएंगे। अगला स्टॉक दोस्तों हीरो मोटो कॉर्प, ये अभी नो ट्रेडिंग जोन में दोस्तों, इसमें क्लियर कोई पैटर्न ही नहीं है, तो हम लोग वैसे स्टॉक को ढूंढते हैं जिसमें हमारे पास क्लियर पैटर्न हो तभी हमारा ट्रेड करने का मजा है, वरना वैसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे वरना फंसा देगा ये स्टॉक। अभी ये नो ट्रेडिंग जोन में ये स्टॉक। हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों हिंद यूनिलीवर का। देखिए हिंद यूनिलीवर बिल्कुल ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, मैं आपको यहाँ इसका पैटर्न दिखा देता हूँ तब आपको पता चलेगा। देखिए ये स्टॉक का पोल हो गया है ना, और ये इसका फ्लैग हो गया, तो अभी ये बिल्कुल जब फ्लैग पैटर्न का जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे ये स्टॉक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ब्रेकआउट कब मिलेगा, जब ये ब्रेक करेगा 1710 को, जब ये 1710 को ब्रेक करेगा तो हम लोग इसमें पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हमारा निकल के आएगा 1730 रुपए का पहला टारगेट शॉर्ट टर्म में। और अगर ये नीचे ब्रेक करता है दोस्तों 1660 का, अगर ये 1660 को जब तक ये हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे 1660 को ब्रेक ना करे दोस्तों, जब तक ये 1660 को ब्रेक ना करे हम लोग शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर ये 1660 को एक बार ब्रेक कर देता है तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1645 का हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, अगर ये ऊपर ब्रेक कर देता है 1700 को, ठीक है, जब तक ये ऊपर 1700 को ब्रेक नहीं, 1710 को ब्रेक नहीं करता हम लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर ये 1710 को यानी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है ब्रेकआउट दे देता है, तो हमारा टारगेट 1730 का निकल के आएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों आइबुल हाउसिंग फाइनेंस का। देखिए आइबुल हाउसिंग फाइनेंस का ट्रेंड भी डाउन है, और ये बिल्कुल नीचे अपना सपोर्ट प्राइस के तरफ आने की कोशिश कर रहा है 646 का, जो कि आप देख रहे हैं पिछला भी सपोर्ट इसका रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू स्टॉक दो दिनों से इस लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, दो नहीं मैं अगर तीन दिन कहूँ तो ज्यादा अच्छा है, एक दिन दो दिन तीन, इस तीन दिन से स्टॉक बिल्कुल अपना जो लो प्राइस आ रहा है 695 का इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर ये 695 को ब्रेक कर देता है तो बहुत तेजी से आपके उसी दिन हो सकता है ये आपको 680 का टारगेट दिखा दे आइबुल हाउसिंग फाइनेंस। और ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करता है 735 को हम लोग इसमें कोई भी पोजिशन लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे, और यही ये स्टॉक है दोस्तों जिसमें मैं कंटिन्यू आपको पीआरबी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, सॉरी इंफोसिस का, आईटी सेक्टर की कंपनी है ये। बिल्कुल आप देख रहे हैं ये 200 DMA के नीचे, 200 DMA के नीचे कंटिन्यू दो दिनों से ट्रेड कर रहा है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये रेड लाइन, ये 200 DMA, 200 DMA के नीचे कंटिन्यू दो दिनों से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और लेकिन अपना जो इसका सपोर्ट प्राइस निकल के आ रहा है वो 610 का आ रहा है। अगर 610 को ये ब्रेक करता है तो 600 और 590 का टारगेट आपको दिखा देगा इंफोसिस। और ऊपर जब तक ये 200 DMA को वापस से रिक्लेम ना करे, यानी 631 के ऊपर ये क्लोज ना करे, तब तक हम इसमें कोई भी लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे। अगर ये 631 को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो हम लोग लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे, टारगेट 640 का और 645 का निकल के आएगा इंफोसिस में। हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील का। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील भी बिल्कुल इंफोसिस की तरह तीन दिनों से ये 200 DMA के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये रेड लाइन 200 DMA, और जिसका सपोर्ट प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं जरा, तो यही इसका सपोर्ट भी है, अंतिम सपोर्ट 320 रुपए का इसके पास। अगर ये 320 को ब्रेक कर देता है तो वापस 310 को टारगेट आपको दिखा देगा जेएसडब्ल्यू स्टील। ऊपर की तरफ कोई भी पोजिशन अभी हम लोग नहीं बनाएंगे।
अगला स्ट्रोक है दोस्तों जस्ट डायल। जस्ट डायल एक अच्छा काम ये कर रहा है दोस्तों कि जब भी ये मूवमेंट देगा तो बड़ा मूवमेंट देगा। मैं इसका रीजन मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये स्टॉक बिल्कुल देखिए 10 दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ रेंज बना के रखा है इसने 520 का, और नीचे की तरफ इसने रेंज बना के रखा है 480 का। अगर ये 480 ब्रेक करता है तो नीचे आपको तुरंत 460 का टारगेट देगा। अगर ये 520 को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ टारगेट तुरंत आपको 530 और 540 का देगा जस्ट डायल। अगला स्टॉक है दोस्तों लुपिन का। लुपिन कहीं नहीं जा रहा है, नो ट्रेडिंग जोन में है, और नीचे की तरफ एक सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। सपोर्ट आ रहा है 840 का निकल के, तो हम लोग इसका अभी नो ट्रेडिंग जोन में लुपिन से दूर रहेंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा का। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा बिल्कुल बुलिश फ्लैग पैटर्न का इसने ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है, इसने बिल्कुल ब्रेक डाउन दिया। अगर क्लियर ब्रेक डाउन में बताऊं तो अभी ये ब्रेक डाउन हुआ नहीं है, अभी नेक्स्ट लेवल जो कल हमारा, अगर ये कल ये लो के नीचे ट्रेड करने लगता है, यानी 743 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो हम लोग इसे ब्रेक डाउन मानेंगे। और अगर 743 को ब्रेक कर देता है तो दोस्तों हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 720 का आएगा। और ऊपर जब तक टेक महिंद्रा ब्रेक ना करे, सॉरी टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्रेक ना करे 795 को, हम लोग कोई लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाए। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारे पास मैकडबल का। देखिए मैकडबल एन इसने तो मेरा सारा टारगेट पूरा कर दिया है, और अभी इस स्टॉक में मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल जिन लोगों ने भी प्रॉफिट नहीं बुक किया वो बुक कर ले, जो मेरे बताए हुए प्राइस पे जिन्होंने खरीदा हो पोजिशन बना वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी ये स्टॉक मेरे नो ट्रेडिंग जोन में, ट्रेडिंग में कब आएगा, लिस्ट में कब आएगा, जब ये 656 को ऊपर ब्रेक करेगा तब। अगला स्टॉक है दोस्तों पीवीआर का। देखिए पीवीआर बिल्कुल सपोर्ट प्राइस के पास एकदम घूम रहा है ऊपर, जो कि निकल के आ रहा है हमारे पास 1550 से 1435, 1435 से 1450 का हमारे पास इसका सब रेजिस्टेंस प्राइस है। तो जब तक इस प्राइस को ये ब्रेक ना करे ऊपर की तरफ, हम लोग कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। शॉर्ट की तरफ इसने एक नीचे की तरफ इसने एक सपोर्ट बना के रखा है जो कि 1375 का आ रहा है। 1375 को अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर 1350 का टारगेट आपको दिखा देगा पीवीआर। अगला स्टॉक है दोस्तों रिलायंस का। रिलायंस अभी हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन में है। अगर रिलायंस ब्रेक कर देता है, देखिए रिलायंस बिल्कुल एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ चल रहा है। जब तक इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है रिलायंस, हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। जब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दे, देखिए उसके नीचे भी सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का और ऊपर भी, इस दोनों ये एक पैरेलल चैनल में फंस गया, इसे हम लोग एक प्राइस चैनल बोलते हैं। अगर मैं प्राइस चैनल को थोड़ा फायर्स में ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा। पैरेलल चैनल में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पैरेलल चैनल सेलेक्ट किया और ये की। तो ये एक चैनल में फंसा हुआ है, जब तक इस चैनल में फंसा हुआ है हम लोग इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे रिलायंस में। तो दोस्तों रिलायंस से भी हम लोग दूर रहेंगे जब तक इस प्राइस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिले तब तक। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा स्टार का। देखिए फार्मा सेक्टर की कंपनी है स्टार। बिल्कुल एक जो बड़ी कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया था, बिल्कुल उसी कैंडल के शैडो में, बिल्कुल उसी कैंडल के शैडो में स्टार ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसके शैडो से ये बाहर नहीं निकले तब तक हम लोग बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे स्टार में। तो भी हम लोग स्टार से बिल्कुल दोस्तों दूर रहने वाले हैं। देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, तो जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न की तरफ ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन ना दे हम लोग बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। सन फार्मा, ये भी फार्मा सेक्टर की कंपनी है और बिल्कुल धीरे धीरे एक फ्लैग पैटर्न को बना रहा है। यहाँ से देखिए ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है, ये इसका पोल हो गया और यहाँ से इसका फ्लैग पैटर्न हो गया। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ फ्लैग पैटर्न, ये इसका फ्लैग पैटर्न। तो जब भी फ्लैग, ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है, याद रखिएगा ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। तो ये बियरिश फ्लैग पैटर्न का एक बार ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि कम से कम स्टॉक 520 को ब्रेक नीचे करे, अगर ये 518 सॉरी 518 को अगर ये ब्रेक करता है तो टारगेट निकल के आएगा दोस्तों 505 का, और ऊपर जब तक ये ब्रेक नहीं करता है 535 को हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। याद रखिएगा ये सन फार्मा का स्टॉक है। अगला स्टॉक है दोस्तों सन टीवी का। देखिए सन टीवी अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, एक सपोर्ट के पास ये कंटिन्यू बहुत दिनों से अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये एक अच्छा मूवमेंट देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये मूवमेंट कब देगा। तो सन टीवी दोस्तों जब तक इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल जाए, यानी कि जब तक ऊपर की तरफ सन टीवी 635 को ब्रेक न कर दे और नीचे की तरफ जब तक 590 को ब्रेक न कर दे, अगर ये 590 को ब्रेक करता है तो टारगेट निकल के आएगा 560 का नीचे की तरफ शॉर्ट पोजीशन में। और अगर ये 635 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 660 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 680 का। ये याद रखिएगा सन टीवी एक लगता है बड़ा मूवमेंट देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अपने आप को बिल्कुल एक बॉक्स में एक रेंज में फंसा के रखा हुआ है पिछले 10 दिनों से। अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा स्टील का। देखिए टाटा स्टील एक ब्रेक डाउन दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल कंटिन्यू लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है।
लोअर लो, लोअर लो, ऊपर से नीचे की तरफ आता रहा और बिल्कुल सपोर्ट प्राइस 540 पे खड़ा है। ये अगर 540 ब्रेक करता है तो एकदम निश्चिंत रहिए, टारगेट 520 का आपको दिखा देगा और टारगेट 500 का, यानी 520 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 500 का होगा, 520 और 500 का, ये दो टारगेट होगा अगर ये ब्रेक करता है 535 को। तब अगला स्टॉक है दोस्तों टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये सारे आईटी सेक्टर है, ये आईटी सेक्टर बिल्कुल, ये आईटी सेक्टर वाला स्टॉक जो है टाटा बिल्कुल ट्रेंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। आप यहां से देख लें, अगर ये डेली का चार्ट है, डेली का चार्ट बिल्कुल ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है और नीचे इसे एक 200 डीएमए का सपोर्ट है जिसका प्राइस निकल के आ रहा है। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, प्राइस निकल के आ रहा है 1772 रुपए का, स्टॉक 1812 रुपए के पास, यानी 50 रुपए का डिफरेंस है। तो ये 50 रुपए का डिफरेंस जब तक बना हुआ है आप टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन अगर ये 1775 को ब्रेक कर देता है, 1770 को नीचे ब्रेक करता है, तो अगर पोजिशन बनाया हुआ आप लोगों ने तो आप लोग इसे निकल जाइए, क्योंकि इसके बाद इसका टारगेट 1700 का होगा नीचे की तरफ। अगला स्टॉक है दोस्तों टेक महिंद्रा का, टेक महिंद्रा नो ट्रेडिंग जोन में दोस्तों, इस स्टॉक से अभी हम लोग दूर रहेंगे। और एक स्टॉक है दोस्तों टाइटन का, देखिए टाइटन बिल्कुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, जैसा मैंने बताया था 920 का मेरा टारगेट था, 920 का टारगेट भी फाइनल टारगेट इसने दे दिया। अब कंटिन्यू 4 दिनों से टाइटन वहीं पे ट्रेड कर रहा है, टाइटन बिल्कुल अपने हायर साइड में ट्रेड कर रहा है मेरा फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद। तो टाइटन के लिए अब जब टारगेट, अब पहला जब तक ये 935 को ब्रेक नहीं करता है, ऊपर 935 को अगर ब्रेक जब तक नहीं करेगा, हमारा टारगेट 950 का है। तो जब अगर 935 को ऊपर ब्रेक करता है तो टारगेट निकल के आएगा 950 का, और अगर ये नीचे 913 को ब्रेक कर देता है, 910 को ब्रेक कर देता है, अगर ये स्टॉक टाइटन 910 को ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 880 का। तो ये हमारा टाइटन में व्यू है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट निफ्टी हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस का ये पहला पार्ट था, बहुत जल्द आपको अभी मैं दूसरा पार्ट डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 120 स्टॉक्स हैं, उन सारी के एनालिसिस करता हूं अगर एक वीडियो में तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।